सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले पर बुधवार को फैसला सुना दिया है। सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तीन जजों की बेंच ने कहा है कि सेबी की जांच उचित है और वो इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है। मार्केट रेगुलेटर ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है और अभी भी 2 मामलों की जांच बची है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे दोनों मामलों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को 3 महीने की मोहलत दी है। इससे पहले बीते 24 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मार्केट रेगुलेटर, सेबी की जांच और एक्सपर्ट कमेटी पर उठाए जा रहे सवालों को नकारते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने साल 2023 में जनवरी के ही महीने में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें अडानी की कंपनी के शेयर ओवर वैल्यूड होने पर कीमतों में हेरफेर समेत समूह पर कर्ज को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हम सेबी को दिए गए समय में अपनी पूरी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दे रहे हैं। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाया है। सीजीआई ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि कोर्ट को सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का सीमित अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सेबी ही इस मामले की जांच करेगी, एसआईटी की जांच को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के एफपीआई नियमों को यह कहकर रद्द करने से इनकार कर दिया कि अदालतें नियामक शासन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती।